राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के बीए पार्ट सेकंड के हिंदी साहित्य के सभी छात्रों का आज इस कक्षा में हम एक बार फिर स्वागत करते हैं। छात्रों, आपका जो बीए पार्ट सेकंड का जो फर्स्ट पेपर है, प्रथम प्रश्न पत्र है, उसके अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में जिन कवियों को रखा गया है और जिनकी जो रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है, आजकल हम उनकी व्याख्या कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवि बिहारी के दोहों की व्याख्या की। आज भी इस कक्षा में हम आपके पाठ्यक्रम में रखे गए बिहारी के दोहों की ही व्याख्या करेंगे। आज इस कक्षा में हम जिस दोहे की व्याख्या करेंगे वो दोहा इस प्रकार से है। दोहा है आपके, जो बिहारी का जो दोहा आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है वो इस प्रकार से है। अंग अंग नग जगमगत दीप शिखासी देह, दिया बढ़ाए हूं रहे बड़ो उजारो गेह, बड़ो उजारो गेह। ये बिहारी का जो दोहा है ये भी बिहारी सतसई से ही लिया गया है। तो सबसे पहले हम इसका संकेताक्षर लिखेंगे और संकेताक्षर में आप लिख देंगे संकेताक्षर, और उसमें आप लिखेंगे अंग अंग नग और उसके बाद डॉट 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 और अंत में आप लिख देंगे बड़ो उजारो गेह। ये आप अंत में लिख देंगे बड़ो उजारो गेह, ये आपके मतलब संकेताक्षर के अंत में लिख देंगे। तो इस तरह से ये तो हुआ संकेताक्षर, यानी कि संकेताक्षर जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे संकेताक्षर और उसमें आप लिखेंगे अंग अंग नग और उसके बाद डॉट 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 और अंत में आप लिख देंगे बड़ो उजारो गेह। ये तो हुआ आपका संकेताक्षर। अब इस दोहे के कठिन शब्द और उनके अर्थ को जानने का प्रयास करें। तो यहां पर इस दोहे में जो कठिन शब्द हैं और उनके अर्थ हैं वो इस प्रकार से हैं। अंग अंग यानी शारीरिक अंग, नग यानी नगीना, जगमगत जगमगत यानी जगमगाते हैं, प्रकाशित होते हैं, देह देह यानी शरीर, दीपा यानी दिया दिया बढ़ाए हूं रहे, यहां दिया से तात्पर्य दीपक से है, माफ कीजिएगा दीपा नहीं दिया है, दिया बढ़ाए यानी दिया का तात्पर्य दीपक से है और बढ़ाए यानी बुझाना है, दिया बढ़ाए यानी दीपक बुझाना, उजारो यानी प्रकाश, उजारो यानी प्रकाश, प्रकाशित होना या प्रकाश के संदर्भ में यहां पर इस शब्द का प्रयोग हुआ है उजारो। तो ये तो हुए इसके कठिन शब्द और उनके अर्थ, एक बार पुनः सुन लीजिए आप। अंग अंग यानी शारीरिक अंग है से तात्पर्य है, और नग यानी नगीना, जगमगत यानी जगमगाते हैं, प्रकाशित होते हैं, देह यानी शरीर, दिया यानी दीपक, बढ़ाए यानी बुझाना, उजारो यानी प्रकाशित। ये इसके कठिन शब्द और उनके अर्थ हुए। अब संदर्भ की बात करें छात्रों, तो यहां पर संदर्भ में जैसा कि मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जब भी बिहारी के दोहों का आप संदर्भ लिखने बैठे तो आप सबसे पहले यही लिख देंगे संदर्भ में कि प्रस्तुत दोहा हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवि बिहारी की सतसई से लिया गया है, या इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यह दोहा हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवि बिहारी की सतसई से अवतरित है। तो यह तो हुआ इसका संदर्भ। अब प्रसंग की बात करें तो इस दोहे का
जब आप प्रसंग लिखने बैठेंगे तो आप इस तरह से लिख देंगे, इसके प्रसंग में आप लिखेंगे कि ये जो दोहा है ये सतसई से अवतरित है और इस दोहे में नायिका की सुंदरता का वर्णन हुआ है। बिहारी ने यहां पर नायिका की सुंदरता का वर्णन किया है। व्याख्या की दृष्टि से देखें तो इसकी हम इस तरह से व्याख्या कर सकते हैं कि अंग अंग नग जगमगत। बिहारी इस दोहे में नायिका के शारीरिक सौंदर्य का अंग अंग अर्थात उसके अंग प्रत्यंग का वर्णन करते हैं और वर्णन करते हुए कहते हैं कि नायिका का अंग अंग अर्थात उसके अंग प्रत्यंग नगीने की भांति जगमगाते हैं। अंग अंग नग जगमगत, उसका शरीर दीप शिखा सी देह, उसका शरीर दीप शिखा जैसा है। नायिका का जो शरीर है वो दीप शिखा जैसा है। दिया बढ़ाए हूं रहे यदि दीपक को बुझा दिया जाए, दिया बढ़ाए हूं रहे बड़ो उजारो गए यदि दीपक को बुझा दिया जाए, तब भी नायिका के शरीर की सुंदरता से जो प्रकाश फैल जाता है अर्थात उसके अंग प्रत्यंगों नगीने से जगमगाते हैं, उससे प्रकाश फैल जाता है। दिए बढ़ाएं यानी दीपक को बुझाने के बाद भी, कहने का तात्पर्य है कि दीपक को बुझा दिया जाए तब भी दिए बढ़ाए हूं रहे बड़ो उजारो गए, फिर भी घर में बहुत अधिक प्रकाश रहता है। नायिका की जो सुंदरता है, उसकी जो शरीर की जो सुंदरता है और उसमें उसके जो शरीर पे जो नग वाली बात आती है, नगीने वाली बात आती है, तो उसका शरीर, कहने का मतलब, इतना जगमगाता है उसके शरीर से, मतलब उसके शरीर की सुंदरता का वर्णन करते हुए बिहारी कहते हैं कि मतलब अगर दीपक को भी बुझा दिया जाए तब भी वो उसकी जो देह है, जो नायिका है उसकी देह दीप शिखासी है, इसलिए दीपक को बुझाने के बाद भी घर में प्रकाश रहता है। यहां पर नायिका की सुंदरता का वर्णन बिहारी ने इस प्रकार से किया है। वैसे इसकी विशेषता में आप ये लिख सकते हैं कि इस दोहे में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। इस दोहे में यानी कि दीपक को बुझाने के बाद भी प्रकाश रहना, दीप शिखा सी देह, उसका शरीर दीप शिखा के समान जैसा है, इसलिए अगर दीपक को बुझा दिया जाए तब भी घर में प्रकाश रहता है, तो यहां पर अतिशयोक्ति है। यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग देखा जा सकता है। ये इसकी विशेषता में आप लिख देंगे। इस दोहे की विशेषता में आप यही लिखेंगे कि इस दोहे में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग भी देखने को मिलता है। फिर इसके बाद में जो अगला दोहा है इनका, बिहारी जी का, वो इस प्रकार से है। छूटी ने शिशुता की झलक, झलकियो जौबन अंग, दीपति देह दुहुनु मिली दीपति ताफता रंग। यहां पर जो बिहारी है यहां पर भी नायिका की सुंदरता का वर्णन है, यहां पर नायिका की यौवनावस्था का वर्णन है, और यौवनावस्था भी कैसी, यानी कि यौवन के जो आने की जो शुरुआत है उसकी, उसमें जो सुंदरता दिखाई, यानी बाल्यावस्था पूरी तरह गई का मतलब बाल्यावस्था पूरी तरह गई नहीं है और युवावस्था आ रही है, उसका यौवनावस्था आ रही है, उसके बीच की जो स्थिति होती है उसमें जो जो नायिका है उसकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। यानी कि बाल्यावस्था जाने में
और यवनावस्था आने में, और उसके जो बीच की स्थिति है उस स्थिति में नायिका जितनी सुंदर लगती है उसी का वर्णन बिहारी ने इस दोहे में किया। दोहा इस प्रकार से है, एक बार पुनः सुन लीजिए आप। छूटी न शिशुता की झलक, शिशुता यानी बाल्यावस्था, झलकियो जौवन अंग, झलकियो यानी दिखाई देने लगा है उनके, उसके अंग अंग प्रत्यंग में, उसके शरीर में, उसके अंगों से, यानी कि उसकी जो सुंदरता किस तरह से बढ़ती जा रही है कि मतलब बाल्यावस्था भी जाने में है, पूरी तरह से बाल्यावस्था से भी मुक्ति नहीं मिली है, यानी बाल्यावस्था भी पूरी तरह से नहीं जा पाई है और यौवनावस्था आने लगी है। तो यहां पर आप देखिए, सबसे पहले आप इसका संकेताक्षर लिखेंगे, तो संकेताक्षर में आप लिख देंगे छूटी न शिशुता, फिर उसके बाद डॉट डॉट डॉट, और अंत में आप लिख देंगे दीपति ताफता रंग, दीपति ताफता रंग। ये तो हुआ इसका संकेताक्षर। अब छात्रों, इसके कठिन शब्द और उनके अर्थ की बात करें। इस दोहे में आपको जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ लिखने हैं। तो यहां पर आप देखिए, छूटी, छूटी यानी छूटना या मुक्त होना, शिशुता यानी बाल्यावस्था, झलक यानी छवि, झलकियो यानी दिखाई दे दिया, झलकियो यानी दिखाई दिया, जोबन यानी यौवन, अंग यानी शरीर, दीपति यानी आभा, देह यानी शरीर, दुहुनु यानी दोनों, दोनों कौन कौन सी, बाल्यावस्था और यौवनावस्था, दोनों के लिए यहां पर शब्द का प्रयोग हुआ है दुहुनु, दुहुनु यानी दोनों। ताफता रंग, ये जो रंग है ये एक विशेष प्रकार के रंग के संदर्भ में, और ये दो रंग से मिलकर के इस ये रंग बनता है, इसको हम ताफता रंग कहते हैं, इसको ताफता रंग कहा जाता है। तो इस तरह से इस दोहे के ये कठिन शब्द और उनके अर्थ हुए। इसके बाद में संदर्भ की बात करें, तो संदर्भ में आप जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आप जैसे पिछली व्याख्या में आपने लिखा, इसी तरह से यहां भी ये आप लिखेंगे संदर्भ में कि प्रस्तुत दोहा हिंदी साहित्य की रीतिकालीन कवि बिहारी की सतसई से लिया गया है। इसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे, और प्रसंग में आप लिख देंगे कि इस दोहे में बिहारी ने नायिका की सुंदरता का वर्णन किया है। इस दोहे में बिहारी ने नायिका की सुंदरता का वर्णन किया है। अब बात व्याख्या की करें, तो छात्रों इसकी व्याख्या आप इस तरह से कर सकते हैं कि छूटी ने शिशुता की झलक, बिहारी के इस दोहे में नायिका चढ़ते यौवन का जो चित्रण हुआ है वो इस प्रकार से है कि नायिका बाल्यावस्था को अभी पूरी तरह, बाल्यावस्था पूरी तरह उनकी गई नहीं है अभी, किसकी, नायिका की, छूटी ने शिशुता की झलक, अभी बाल्यावस्था की झलक पूरी तरह से दूर नहीं हुई है, छूटी नहीं है यानी नहीं गई है अभी तक, अभी तक थोड़ी थोड़ी सी बाल्यावस्था की झलक भी दिखाई दे रही है नायिका में, और झलकियो जौवन अंग, और यौवन उसके शरीर, उसके अंग प्रत्यंग पर, अंग प्रत्यंग से झलकियो जौवन अंग, उसके अंग प्रत्यंगों से यौवनावस्था की झलक दिखाई देने लगी है, बाल्यावस्था पूरी तरह से गई नहीं है और यौवनावस्था की झलक दिखाई देने लगी है, और यौवनावस्था की झलक दिखाई देने लगी है यानी कि बाल्यावस्था और यौवनावस्था के बीच की जो स्थिति है और उसमें जो नायिका की जो सुंदरता जो दिखाई दे रही है उसका वर्णन बिहारी यहां करते हैं, यानी बाल्यावस्था और यौवनावस्था के बीच की स्थिति का वर्णन है, नायिका के यौवन का आगमन
जब होने लगा और बाल्यावस्था अभी तक पूरी तरह से गई नहीं, छूटी न शिशुता की झलक, अभी तक उसकी झलक पूरी तरह से नहीं छूटी है, यानी उसकी अभी शिशुता की झलक भी बनी हुई है। और झलकियो जौवन अंग, और उसके अंगों से यौवन झलकने लगा है। दीपति देह दुहुन मिली, दीपति देह दुहुन मिली, दीपति यानी आभा, देह दुहुन मिली, उसकी शरीर में, नायिका का जो शरीर है उसमें दीपति यानी आभा, देह यानी शरीर, दुहुन यानी दोनों, यानी कि नायिका के जो शरीर से जो आभा दिखाई दे रही है, जो छवि दिखाई दे रही है, वो दुहुनु यानी दोनों, कौन कौन सी दोनों, बाल्यावस्था और यौवन अवस्था, मिली यानी का मिला जुला स्वरूप। दीपति ताफता रंग, और वो जो दोनों बाल्यावस्था और यौवन अवस्था का जो मिला जुला जो रंग है वो कैसा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है दीपति ताफता रंग की भांति वो दिखाई दे रही है। उसका रंग किस प्रकार का दिखाई दे रहा है, ताफता रंग की भांति दिखाई दे रहा है, यानी कि उसकी देह का रंग ताफता रंग बनता जा रहा है, अर्थात एक आकर्षक स्वरूप या उसकी सुंदरता देखी जा सकती है। नायिका की जो सुंदरता है वो और भी अधिक दिखाई दे रही है, क्योंकि उसमें बाल्यावस्था भी अभी तक पूरी तरह से नहीं गई है और यौवनावस्था की भी झलक दिखाई देने लगी है। इस तरह से दोनों से मिलकर के, दोनों रंगों से मिलकर के जो 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 रंग बनता है उसको कहते हैं ताफता रंग, यानी दो रंगों से मिलकर के जो तीसरा रंग बनता है उसको ताफता रंग कहते हैं। तो यहां पर नायिका की बाल्यावस्था और यौवनावस्था दोनों मिलकर के जो उसकी जो छवि दिखाई दे रही है वो ताफता रंग की भांति है। इस प्रकार इसमें आप इसकी विशेषता में, इस दोहे की विशेषता में आप लिख देंगे कि इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है या इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग देखा जा सकता है। छात्रों आज के लिए बस इतना ही, अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, और अगली कक्षा में भी हम जो बिहारी, जो आपके पाठ्यक्रम में जो बिहारी के जो दोहे रखे गए हैं, तो जो शेष रहे दोहे उनकी हम व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।